तो दोस्तों, जायका पे तनुजा में आपका स्वागत है। हमेशा मैं आपको मीठा, चटपटा और बहुत तरह के खाने दिखाती हूँ, लेकिन आज मैं आपको काढ़ा बनाना सिखा रही हूँ। आजकल का जो मौसम है, जिसमें सर्दी, खांसी, जुकाम हमें बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, और जो टाइम चल रहा है, हम सब लोग उससे डर भी जाते हैं। कहने को तो हमारे को नॉर्मल सर्दी खांसी होती है, लेकिन आजकल हम उसको अलग अलग तरीके से सोच सोच के डर जाते हैं। थोड़ा भी जुकाम या गले में दर्द हो रहा है तो इस तरह का काढ़ा बनाकर पिए तो आपको बहुत फायदे होंगे। अगर काढ़े का इस तरह का रंग हो तो बच्चे भी पी लेते हैं, क्योंकि बच्चों को काले रंग का काढ़ा बिल्कुल पसंद नहीं आता है। और उसमें और क्या क्या चीज़ें पड़ती हैं मैं वो सब दिखाऊंगी। यहाँ मैंने कुछ लौंग ली हैं, काली मिर्च ली हैं, तुलसी के पत्ते लिए हैं, तेज पत्ता लिया है, दालचीनी ली है, अदरक और कच्ची वाली हल्दी ली है। अब एक पैन के अंदर मैं 3 कप पानी डाल दूंगी, क्योंकि मैं ये 2 कप बना रही हूँ तो मैं 3 कप पानी डालूंगी, क्योंकि हमें इसको इतना उबालना है कि ये 2 कप हो जाए। ये मैंने तेज पत्ता डाला है। तेज पत्ते का फायदा इतना होता है कि जो हमारे छाती में बलगम जमा होता है, वो तेज पत्ता बिल्कुल उसको सही कर देता है, इसलिए तेज पत्ता ज़रूर डालें। ये तुलसी है और दालचीनी है। सर्दी खांसी में दालचीनी और लौंग दोनों बहुत फ़ायदेमंद है। लौंग हम जो भी डालें वो फूल वाली डालें, जिसके ऊपर फूल बना होता है, क्योंकि इस लौंग के फूल पे ही सारा असर होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि लौंग जितनी भी डालें, हम 7-8 लौंग डालेंगे, वो सारी फूल वाली होनी चाहिए। हमें काढ़ा बनाते हुए भी ध्यान रखना चाहिए। ये दालचीनी को मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था, ये जो 8-10 दालचीनी थी वो डाल दी है। अदरक को मैं घिस के डाल रही हूँ, और जो हल्दी है कच्ची वाली उसको भी मैं घिस के डाल रही हूँ, जिससे कि पूरे पानी में उसका असर आ जाए। आप चाहो तो तोड़ के भी डाल सकते हो। और अगर आपके पास ये पिसी हुई हल्दी, कच्ची वाली हल्दी नहीं है, तो आप पिसी हुई हल्दी भी डाल सकते हो। ये वाली जो होती है आप ये डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास थी तो मैंने ये कच्ची वाली डाल दी है। आज के टाइम में तो इस समय सर्दियों में तो कच्ची हल्दी बहुत इजीली मिल जाती है। अब इसको हमें सिर्फ बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद हमें इतना बॉईल करना है कि ये हमारा 1 कप कम हो जाए, 3 कप से 2 कप हो जाए। अब ये 2 कप हो गया है, इसको मैं 2 मिनट के लिए ढक के रख दूंगी कि और इसके अंदर सारा जितना भी असर है वो इस पानी में आ जाए, सिर्फ 1 से 2 मिनट। अब मैं कप में इसको छान लूंगी। अभी भी ये खूब गर्म है, सिर्फ मैंने 2 मिनट के लिए ढक के रखा था। अगर आप ऐसे पीना चाहते हैं तो इसे ऐसे भी पी सकते हैं, लेकिन अगर बच्चे नहीं पी सकते तो आप इसमें शहद और नींबू डाल दीजिए। इस समय विटामिन सी कहते हैं, खट्टी चीज़ें गले को नुकसान करती है, लेकिन काढ़े में नींबू बहुत फ़ायदा करता है। इसलिए आप थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा मत डालिए, थोड़ा सा नींबू और थोड़ा सा शहद डाल सकते हैं। तो मैं आपको ये दोनों तरह की के काढ़े हैं, आप चाहो तो शहद और नींबू डाल के पीजिए, आप चाहो तो ऐसे ही पी।